अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कुछ लोग पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में एक नामालूम अफराद की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी अवाम ने देखकर पुलिस को इत्तला दी। ACP और SHO और उनकी टीम वहां पर पहुंची और ये लाश पूरी तरह से जली हुई थी। पुलिस के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि इसका कत्ल कर दिया गया था और कत्ल करके यहां पर लाकर इसको जला दिया गया है। फिलहाल ये अननोन है। इसकी उम्र 25 से 35 साल के दरमियान बताई गई है और ये 3 दिन पुरानी लाश है। पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। CCTV कैमरों के जरिए वो कातिलों की तलाश शुरू कर दी। महमीद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मर्डर करके इधर जला कर इधर ला के फेंक दे के जला कर दिया। वी थिंक दिस इज ऑन सैटरडे करे कोई नहीं देखे अब तक। तो जो होटल वाले वो इधर उधर सुन रहा मैं, मेरे को सैटरडे करे मुझे फ़ोन करे कैसे करे, वो बॉडी भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ अब तक। बॉडी की आइडेंटिफाई करे तो 50% चालू होता है केस। बॉडी की आइडेंटिफाई करना और चोर की पकड़ना है और इन्वेस्टिगेशन करना है। इंक्वेस्ट और कैसे हुआ, क्या ये मर्डर, क्या मर्डर कैसे हुआ, ओके PME में पूरा डिटेल होता तो इन्वेस्टिगेशन में है पूरा। सब हिंदू है मुस्लिम है, आइडेंटिफाई हुआ हिंदू है मुस्लिम वो भी नहीं हुआ, वो देखना पड़ता। अप्रोक्सीमेटली क्या है जो कोई भी रहता पूरा इन्वेस्टिगेशन करे तो एज अबाउट 32-35 ईयर्स तो वो भी जला दिया। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो मालूम होता कैसा हुआ क्या। कुछ CC कैमरा चेक करे सर? सर जी टीम चले गए और तीन जगह पे टीम हो गए CC कैमरा पे एग्जिस्ट एंट्रेंस एग्जिस्ट में CC कैमरा चेक कर रहे हैं हमारा टीम लोगों और क्लूज टीम भी देख के आए और डॉग स्क्वाड भी आया वो क्लूज भी ले रहा। PME होने के बाद थोड़ा डिटेल्स भी होता होने के बाद अभी क्लूज निकालेंगे। पूरा होना पब्लिक कोई आए तो कोई मिसिंग केसेस भी रहता। सैटरडे बोले तो 3-4 दिन के बाद में और मिसिंग केसेस भी पूरा निकालते पूरा आजू बाजू पुलिस स्टेशन रहते ना तो साइबराबाद हैदराबाद एंड राजकोंडा पुलिस कमिश्नर में कोई मिसिंग है 25 से 35 एज का उम्र का वो मेल पर्सन कोई मिसिंग है पूरा वो लेके उसे भी टैली कर सकते। वो फेस भी टैली हुआ तो भी अच्छा रहता। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।